हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के संदर्भ में बात करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टोरी ऑफ पोएम, स्टोरी ऑफ नॉवेल, स्टोरी ऑफ ड्रामा था। तो हम लोगों ने नॉवेल, स्टोरी ऑफ नॉवेल के पांच नॉवलिस्ट को लिख लिया था। अंग्रेजी के पांच नॉवलिस्ट, अंग्रेजी के पांच पोएम पोएट्स को भी लिख लिया था। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के पांच ड्रामेटिस्ट के बारे में। राइट द नेम ऑफ एनी फाइव इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स, ड्रामेटिस्ट्स, ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। किसका आता है? विलियम शेक्सपियर। ये हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, बिल्कुल पहले नंबर पर हैं, हमको देना भी चाहिए, ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। सेकेंड में हम लोग बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। इनका भी नाम काफ़ी इस नंबर थ्री में बात करते हैं हम लोग सैमुअल बेकेट के बारे में ना। सैमुअल बेकेट बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। नंबर चार में हम लोग ले लेते हैं आर्थुर मिलर आर्थुर मिलर। ये हमारे फोर्थ हैं। और फिफ्थ में हम लोग देख लेते हैं एंटोन शिकोव। आपको याद होगा दोस्तों, एंटोन शेखोव का हम एक बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा एक ड्रामा पढ़ चुके हैं, जो कि था मैरिज प्रपोज़ल, है ना। हम लोग उसमें नटालिया के बारे में, शुभकोव के बारे में और लोमोव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एंटोन शेखोव हम लोग सिक्स्थ के बारे में बात कर लेते हैं। पांच तो काफ़ी है, बट और एक दो हम लोग देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये हैं कुछ इंग्लिश के जाने माने ड्रामेटिस्ट के नाम। आप इसको याद रख लीजिएगा, आपको इसमें से पांच नंबर इजीली मिल जाएगा। पहला है विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, ये पोएट भी हैं, बट हम फिलहाल ड्रामेटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, सैमुअल बेकेट हैं, आर्थुर मिलर हैं, एंटोन शेखोव हैं और फाइनली क्रिस्टोफर मार्लो हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आता है, आ सकता है और आएगा भी। पांच नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलिए, आप बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, मैं ऐसा कामना करता हूँ। बढ़िया से पढ़िए और अच्छा कीजिए। बाय, टेक केयर।